Assalamu alaikum, girls. I am Miss Asma, and today I explain you Pakistan's chronology of class 8, chapter number 2. Girls, इस chapter में हम पाकिस्तान की political history 1970 से लेके 2008 तक के मुतालिक पढ़ेंगे. 1970 की history को देखें तो East Pakistan पाकिस्तान का ही हिस्सा था. 1971 में ये हिस्सा पाकिस्तान से सेपरेट हो गया और दुनिया के नक्शे में बांग्लादेश के नाम से नमूदार हुआ. 1971 में याह्या खान ने रिज़ाइन दिया और जुल्फिकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट बने और 1973 में प्राइम मिनिस्टर. 1978 में ज़ियाउल हक प्रेसिडेंट बने और उन्होंने शरई लॉ इम्पोज़ किया. 1979 की अगर हिस्ट्री को देखें तो 1979 में रशिया ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया. मिलियंस ऑफ अफ़गान रेफ्यूजी पाकिस्तान आए. पाकिस्तान ने अपने दरवाज़े खोल दिए. अमेरिका ने अफ़गानियों की सपोर्ट के लिए बड़ी मकदार में एड्स भी दिए. 1988 में प्लेन क्रैश में ज़ियाउल हक का इंतकाल हुआ. 1988 में ही इलेक्शंस हुए और बेनज़ीर भुट्टो को कामयाबी हासिल हुई. बेनज़ीर भुट्टो इस्लामिक स्टेट की पहली फीमेल वज़ीर आज़म बनी. करप्शन की वजह से बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया और वापस इलेक्शन करवाए गए. नवाज शरीफ को कामयाबी हासिल हुई. नवाज शरीफ ने अपने दौर में कश्मीर के इशू को सॉल्व करने की कोशिश की. 1993 में वापस इलेक्शन हुए और फारूक अहमद लगारी प्रेसिडेंट बने और बेनज़ीर भुट्टो वापस प्राइम मिनिस्टर बने. 1996 में लगारी ने बेनज़ीर हुकूमत को डिसमिस किया और जब वापस इलेक्शन हुए तो नवाज शरीफ पावर में आए. 1998 में इंडिया ने जब अपना न्यूक्लियर बनाकर टेस्ट किया, इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी चागी के मकाम पर अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया. 1999 में बेनज़ीर और आसिफ अली जरदारी को करप्शन के सिलसिले में जो है इनके ऊपर केस हुआ और आसिफ अली जरदारी को अरेस्ट किया गया. 2007 तक बेनज़ीर मुल्क से बाहर रहीं. गर्ल्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर जो है इसमें जो जो इवेंट्स अकर हुए आपको क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. थैंक यू सो मच.